أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and welcome to UGM Pharma. This is Amjala Sharif, final pro from the University of Sen. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबलेटिंग डिफेक्ट. टेबलेट डिफेक्ट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. टेबलेटिंग डिफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो होते हैं अप्लाई करते हैं, तो उधर बायोमेप पे टेबलेटिंग डिफेक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ द टेबलेट, जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं टेबलेट को, उस टाइम में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं टेबलेट्स में, तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिटेल्स में. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी टेबलेटिंग डिफेक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मुख्तलिफ टाइप्स के जो डिफेक्ट्स आते हैं, लेकिन आज हम इस लेक्चर में पार्ट वन में जो है डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कैपिंग, लेमिनेशन एंड चिपिंग. कैपिंग डिफेक्ट, लेमिनेशन डिफेक्ट्स एंड चिपिंग डिफेक्ट्स ऑफ दी टेबलेट. और उसके साथ साथ कॉजेज भी पढ़ेंगे और ओवरकम, किसको जो डिफेक्ट्स आ जाए तो उसको ओवरकम कैसे करें, ये भी हम डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आज. सबसे पहले टेबलेट क्या होता है? टेबलेट इज अ फार्मास्यूटिकल कंप्रेस ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म और यूनिट डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सीपिएंट और एडिटिव. टेबलेट एक डोजेज फॉर्म है, ठीक है. एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म है. टेबलेट इज ओरल फार्मास्यूटिकल कंप्रेस ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म, ओएसडी भी कहते हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म भी कहते हैं इसको. कंटेनिंग मेडिकामेंट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें. एपीआई होता है विद आर विदाउट विद आर विदाउट एक्सीपिएंट. एक एक्सीपिएंट्स भी कुछ होते हैं जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो टेबलेट की होती है उसको मेंटेन करने के लिए और इजी टू पैक पिक करने के लिए हम एक्सीपिएंट उसमें डालते हैं, और बल्क शेप करने के लिए, प्रॉपर टेबलेट को शेप देने के लिए भी हम एक्सीपिएंट डालते हैं, तो उसी को हम टेबलेट कहते हैं. टेबलेट इज फार्मास्यूटिकल कंप्रेस ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म और यूनिट डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सीपिएंट और एडिटिव. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ द टेबलेट, हमारा कर्सर नजर आ रहा होगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द टेबलेट ड्यू टू प्रॉब्लम इन फॉर्मुलेशन कंप्रेशन इक्विपमेंट आर बोथ ऑफ देम. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कौन सा हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस टाइम में प्रॉब्लम आते हैं टेबलेट्स में, कैसे के इस वजह से, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ द फार्मुलेशन. फार्मुलेशन बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ बाइंडर्स ज़्यादा हो जाते हैं, लुब्रिकेंट ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उस वजह से भी इम्प्रॉपर हमारी फार्मुलेशन हो जाती है, अच्छी तरह से जो हैंडलिंग नहीं करते, इस तरह से भी टेबलेट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं. और कंप्रेशन इक्विपमेंट, यानी जब जो हमारी टेबलेटिंग मशीन्स होती है उसकी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट नहीं होती, अच्छी तरह से पॉलिशिंग नहीं होती, तो उसी तरीके से भी ये टेबलेटिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं. मेथड ऑफ टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टेबलेट्स की तो तीन मेथड से करते हैं. एक, नंबर वन वेट ग्रेनुलेशन, नंबर टू ड्राई ग्रेनुलेशन और कंपैक्शन, नंबर थ्री इज डायरेक्ट कंप्रेशन. डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड वेट ग्रेनुलेशन जो तीन इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेबलेट्स के. डायरेक्ट कंप्रेशन में हम बॉटल लेके जो मटेरियल्स लेके, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली कंप्रेस करके टेबलेट के फॉर्म में हम बनाते हैं. और कुछ होते हैं वेट और ड्राई ग्रेनुलेशन की मदद से भी करा. ग्रेनुलेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे जो ड्रग्स होती है तो अच्छी तरह से एम्बेडेड हो, फ्लो प्रॉपर्टीज हो उसमें, और डस्ट फ्री है और टॉक्सिक मटेरियल्स उसमें ना हो, उसी वजह से हम उसको ग्रेनुल्स वाले बनाते हैं और इजीली कंप्रेस हो जाए प्रॉपर तरीके से. इसी वजह से हम ग्रेनुलेशंस पहले ग्रेनुलेशन प्रोसेस करते हैं, ग्रेनुल्स बनाते हैं, देन फिर हम उसको कंप्रेस करके टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नाउ इज कैपिंग, नंबर वन वन हम डिस्कस करेंगे कैपिंग, चिपिंग एंड लेमिनेशन, ठीक है. कैपिंग हम डिस्कस की, कैपिंग क्या होता है? कैपिंग इज अ पार्शियल और फुल हॉरिजेंटल टॉप ऑफ द बॉटम सेपरेशन टेबलेट ड्यू टू द एयर एंड्रॉप एंड इन अ कंपैक्टिंग ड्यूरिंग द कंप्रेशन आर सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ द टेबलेट इन इजेक्शन ऑफ द टेबलेट फ्रॉम द डायकेविटी. कैपिंग वो प्रोसेस होता है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, पार्शियल और फुल्ली हॉरिजेंटल. एक होता है वर्टिकल कट,
दूसरा होता है हॉरिजेंटल कट, ठीक है। तो टेबलेट में क्या आ जाता है कि टॉप और बॉटम यानी ऊपर या नीचे वाले पोर्शन ऑफ टेबलेट में क्या आ जाता है, हॉरिजेंटल कट आ जाता है, या तो सारा कट आ जाता है या तो पार्शल आधा कट आ जाता है टेबलेट में, उसी को हम केपिंग कहते हैं। टेबलेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, ठीक है, वो कट आ जाता है। तो जो है पार्ट होता है टेबलेट का, तो वो सेपरेट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, कंप्रेशन, सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन, टेबलेट इजेक्शन, इजेक्शन ड्यूरिंग जब डाई में इजेक्शन, डाई से इजेक्ट होती है टेबलेट, उसी तरीके से भी इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट होती है हमारी जो है इसमें टेबलेटिंग मशीन्स में, इस तरह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकता है केपिंग वाला। ये आप डायग्राम दे सकते हैं, ये जो है केपिंग की डायग्राम है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कट लगा पड़ा है इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हम केपिंग, ठीक है, ये केपिंग डायग्राम है, ठीक है। कट आ जाता है टेबलेट में, हॉरिजॉन्टल कट आ जाता है टॉप और बॉटम ऑफ दी टेबलेट, उसी को हम कैपिंग डिफेक्ट कहते हैं। उसके हम कॉज पढ़ेंगे, नंबर वन कॉज पढ़ेंगे और ओवरकम नंबर वन हम इसके कॉज पढ़ेंगे, किस किस जो है कॉज से ये कैपिंग आता है हमारे टेबलेट्स में, और उसको ओवरकम कैसे कर सके हैं, कोई रेमेडीज कैसे बना के हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन कौन सा है, लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइन्स इन ए ग्रेन्यूलेशन, जब ग्रेन्यूलेशन बनाते हैं तो फाइन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है, तो उस वजह से भी कैपिंग का डिफेक्ट आ सकता है। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे, रिमूव सम और ऑल फाइन्स, कुछ या सारा जो फाइन्स होता है उसको रिमूव करते हैं थ्रू 100 to 200 मेश स्क्रीन, 100 to 200 मेश स्क्रीन छन्नी के जरिए हम उसको उससे रिमूव करते हैं फाइन्स को, ठीक है। टू ड्राई आर वेरी लो मॉइस्टेंस कंटेंट इम्प्रॉपर बाइंडिंग एक्शन, या तो ज्यादा ड्राई हो जाता है हमारा जो मटेरियल स्टेबलेटिंग वाला, या मॉइस्टेंस कम हो जाती है, तो उसी तरीके से भी ये केपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, ये हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, मॉइस्टन द ग्रेन्यूल सुइटेबल और एड द हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट जो होते हैं वो डालेंगे जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, सार्बिटोल हो गया, मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, PEG 4000 हो गया, ठीक है, ये एजेंट्स डाल के हम उसको मॉइस्टेंस करेंगे ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से जो है कैपिंग का प्रॉब्लम्स ना आए और प्रॉपर तरीके से हमारी टेबलेट्स बन जाए। नंबर थ्री में क्या होता है, इम्प्रॉपर थ्रोली ड्राइड ग्रेन, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इम्प्रॉपर ड्राई करते हैं, अच्छी तरह से ड्राई नहीं होते और जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चला देते हैं, तो उसी हवाले से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ड्राई ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली क्या करेंगे, इसके रेमेडीज क्या है, प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। एडिंग इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ द बाइंडर, जो बाइंडिंग एजेंट होता है, बाइंडर एजेंट होते हैं, तो इसी को इनसफिशियंट यानी जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो नहीं डालते, इनसफिशियंट कम डालते हैं, तो उसी वाले से ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो उसको क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द बाइंडर, बाइंडिंग बाइंडर एजेंट जो होता है इंक्रीज कर देंगे उसकी, और गम एकेशिया, सार्बिटोल, हाइड्रोफिलिक सिलिका वगैरह उसमें डालेंगे। इम्प्रॉपर एडिंग लुब्रिकेंट, इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट एजेंट जो होते हैं वो डालते हैं, इसी वजह से भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, लुब्रिकेंट्स को बढ़ाएंगे, ग्रेनुलर मास टू कोल्ड हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे, कंप्रेस रूम टेम्परेचर पे करेंगे। पुअर फिनिश डाई, डाई जो होती है, ठीक है, तो उसकी जो है पुअर फिनिश्ड डाइज होती है, जो पाउडर्स आ जाता है, और उसी वाले से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकता है केपिंग का। तो उसको क्या करेंगे, डाई को प्रॉपर उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, पॉलिश करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, ठीक है। हाई ट्यूरेट स्पीड, स्पीड जो होती है वो टेबलेटिंग मशीन में ट्यूरेट यूज होता है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूरेट है हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्यूरेट है, तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो उसकी हाई स्पीड होने से भी ट्यूरेट की स्पीड तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये हाई स्पीड जब ज्यादा हो जाती है स्पीड, तो फिर भी कैपिंग का प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो क्या करेंगे हम, रिड्यूस स्पीड ऑफ द ट्यूरेट, ट्यूरेट की स्पीड क्या करेंगे, ये इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। लोअर पंच रिमेन्स बेलो फेस ऑफ द डाई ड्यूरिंग द इजेक्शन, जब टेबलेट इजेक्ट होती है, बाहर आती है डाई से,
तो लोअर और अपर पंचेस होते हैं। लोअर पंच रिमेंस बेलो, नीचे आ जाती है, ज्यादा नीचे आ जाती है, तो उस तरीके से भी ये कैपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है टेबलेट्स में। तो क्या करेंगे, मैक प्रॉपर सेटिंग लोअर पंच ड्यूरिंग द इजेक्शन, प्रॉपर एडजस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर सेटिंग करेंगे किसकी, पंचेस की, लोअर पंचेस की। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द स्वीप ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड होते हैं उसमें इनकरेक्ट उसकी एडजस्टमेंट होती है, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, तो ये कैपिंग वाला प्रॉब्लम जो होता है टेबलेट में वो ना आ सके। हम फार्मासिस्ट है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम प्रोडक्शन को अच्छा बनाए, ये टेबलेट्स के जो डिफेक्ट्स आते हैं वो ना आ सके। नंबर टू जो है लेमिनेशन। लेमिनेशन क्या होता है, इट इज सिमिलर टू केपिंग बट इज अ लेमिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ द टेबलेट फ्रॉम मेन बॉडी, नॉट फ्रॉम टॉप। ये सिमिलर होता है किससे, केपिंग से। ये भी टूटती है टेबलेट, लेकिन वो क्या, कैसे टूट रही थी, वो अपर एंड लोअर पोर्शन से टूट रही थी टेबलेट हमारी, लेकिन ये क्या, मेन बॉडी, जो मेन बॉडी होती है टेबलेट की, वहां से टूट जाती है। ठीक है, टॉप और बेलो तरीके से वो बॉटम से नहीं जो है टूटती, ये मेन बॉडी से, ये जो मेन बॉडी है टेबलेट की, या ये डायग्राम आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, तो मेन बॉडी से ये टूट जाती है, एक दूसरे से टेबलेट टूट जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो उसी को हम लेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। लेमिनेशन डिफेक्ट ऑफ द टेबलेट, उसको लेमिनेशन डिफेक्ट कहते हैं। ये टेबलेट है, ये मेन बॉडी से, ये देख सकते हैं, ये मेन बॉडी से ये टूट गई है, इसी को हम लेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज कौन से होते हैं, वैक्सी और ऑयली मटेरियल्स इन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में वैक्सी ऑयली मटेरियल्स आ जाते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करें, टू अल्टर मिक्सिंग प्रोसेस, अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे जो है मिक्सिंग वाला प्रोसेस, एडिंग मच हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं फैट सॉल्युबल जो लुब्रिकेंट ज्यादा होते हैं, तो उसी वजह से भी ऐड करने से, ज्यादा ऐड करने से जो है हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स से भी ये लेमिनेशन वाला जो है डिफेक्ट्स आ सकता है टेबलेट्स में। तो क्या करें, ऐड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट डालेंगे, वो एब्जॉर्ब करेगा प्रॉपर तरीके से उसको। ठीक है, नंबर थ्री, रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टेबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम द डाई। जब डाई कैविटी से टेबलेट इजेक्ट होती है तो वो रैपिड रिलैक्सेशन पेरिफेरली रीजन से रैपिड रिलैक्सेशन हो जाती है, तो अच्छी तरह से वो इजेक्शन नहीं होती, तो उसी तरह से भी ये डिफेक्ट्स आ सकता है, तो उसको क्या करेंगे, यूज टेपर डाई सच इज अपर पार्ट डाई बोर हैज आउटवर्ड टेपर ऑफ 3 to 5 डिग्री। जो अपर पार्ट वाला है डाई का बोर, बोर जो होता है होल होता है, उसको हम जो है टेपर्ड करेंगे 3 से 5 डिग्री पे, उसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फास्ट डीकम्प्रेशन, फास्ट डीकम्प्रेशन होती है टेबलेट की, तो उससे वाले से भी ये लेमिनेशन का डिफेक्ट्स आ सकता है टेबलेट के अंदर। तो क्या करेंगे, रिड्यूस ट्यूरिट स्पीड, ये जो ट्यूरिट है इसकी स्पीड को रिड्यूस करेंगे, एंड फाइनल कंप्रेशन प्रेशर, फाइनल जो कंप्रेशन वाला प्रेशर है उसको भी रिड्यूस करेंगे, और ट्यूरिट की स्पीड को भी रिड्यूस करेंगे कि एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके और लेमिनेशन जो डिफेक्ट्स ऑफ द टेबलेट है उससे प्रिवेंट हो सके। चिपिंग, चिपिंग जो होता है ब्रेकिंग ऑफ द टेबलेट एजेस, जो एजेस होते हैं ना, ये जो एजेस है, ये सरफेस से ये एजेस देख रहे हैं टेबलेट्स के, ये ब्रेक हो जाते हैं, या क्या दिख रहा है डेफिनेशन में, ब्रेकिंग ऑफ द टेबलेट एजेस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशन। जब कोटिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं टेबलेट की, तो वहाँ क्या हो जाता है, ये जो मार्जिन है इसके टेबलेट के, ठीक है, ये एजेस है, एजेस से इसकी जो है कट आ जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो हमारी टेबलेट जो है बिल्कुल बुरी तरीके से नजर आती है, तो उसी को हम चिपिंग कहते हैं। चिपिंग इज अ ब्रेकिंग ऑफ द टेबलेट एजेस, यानी ये एजेस जो होते हैं टेबलेट्स के, ये मार्जिन जो होते हैं टेबलेट्स के ऊपर वाले, इस पे जो क्या आता है, डिफेक्ट्स आ जाता है, ये कट आ जाते हैं, तो उसी को हम चिपिंग कहते हैं। क्यों आते हैं, इट अकर्स ड्यू टू टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, ज्यादा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से पंचेस नहीं होते,
जो है पंचमशन से प्रॉपर तरीके से फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो प्रॉपर शेप शेप में वो नहीं आते टेबलेटिंग शेप में, तो पाउडर्स जो है फिर उधर जो है रिलीज होता है। तो इस तरीके से भी ये क्या होता है, जो टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, ज्यादा ग्रेन्यूल्स को ड्राई भी नहीं करना चाहिए, तो ये डिफेक्ट्स नहीं आएगा। तो कॉज कौन से है, नंबर वन कॉज कौन है, फॉर्म सिमिलरली वेरी ड्राई ग्रेन्यूल्स, ड्राई ग्रेन्यूल्स जो करते हैं इस वजह से आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट किया, मॉइस्टन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स को थोड़ा मॉइस्ट करेंगे, स्टिकिंग द पंच फेसेस, पंच के जो फेसेस होते हैं उस पे स्टिकिंग हो जाती है, चिकट जाती है, उस वजह से भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, ड्राई ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली एंड इंक्रीज लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स इंक्रीज करेंगे तो प्रॉपर तरीके स्टिक ना हो और अच्छी तरह से हमारे जो है चल सके, जो है मशीन्स और ये प्रिवेंट हो सके हमारा क्या चिपिंग वाला, चिपिंग डिफेक्ट्स ना आ सके हमारे टेबलेट में। नंबर थ्री, टू मच बाइंडिंग कॉज चिपिंग एट बॉटम, चिपिंग जो है बॉटम ऑफ द टेबलेट में चिपिंग आ जाती है, तो क्या किस वजह से, बाइंडिंग जो है टू मच बाइंडिंग एड करने से भी ये बाइंडिंग एजेंट जो यूज करने से भी ये चिपिंग वाला जो है डिफेक्ट्स आता है, किसमें, बॉटम एरिया में, ठीक है, द बॉटम एरिया ऑफ द टैबलेट। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे, रेमेडीज क्या है इसकी, एड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एजेंट, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एजेंट जो होते हैं, एग्रोस्कोपिक एजेंट होते हैं, वो इसमें डालेंगे, ठीक है। एजेस ऑफ द पंचेस टर्न इनसाइड आर इनवर्ड, जो पंच के एजेस होते हैं, पंचेस अपर पंच होता है, ये लोअर पंच होता है, तो उसके जो है एजेस होते हैं वो इनसाइड हो जाते हैं, इनसाइड हो जाते हैं, इनवर्ड हो जाते हैं, तो उसी वजह से भी ये चिपिंग का प्रॉब्लम टेबलेट में आ सकता है। तो इसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे प्रॉपर तरीके से, इसकी टेबलेटिंग पंच की पॉलिश करेंगे, मेक इट सिलिंड्रिकल उसको बनाएंगे और अच्छी तरह से उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। आई होप आई हमारा आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।